नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक प्लेनेट में। दोस्तों आज मैं टिकटॉक के बारे में बात करने वाला हूं। एक टिकटॉक के बारे में एक बुरी खबर आ रही है दोस्तों, हो सकता है टिकटॉक आने वाले समय में बैन हो सकता है। क्योंकि दोस्तों देखने वाली बात ये होगी कि टिकटॉक जो है काफ़ी ज़्यादा इंडिया में फेमस है, और आपको बता दूं कि जो टिकटॉक है वो एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है, यानी कि चाइनीज़ ऐप है जो कि इंडिया में फेमस हुई है। दोस्तों आपको बता दूं टिकटॉक एक ऐसी ऐप है जिसपे आप म्यूज़िक के साथ अपना रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, एक्टिंग करके बता सकते हैं, जिससे कि मतलब आप फेमस हो सकते हैं और अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की ऐप काम करती है जिसमें आप अपनी वीडियोस डाल सकते हो म्यूज़िक के साथ एक्टिंग करके। और टिकटॉक के बारे में और भी बहुत सारी ऐसी खबरें आती रहती है। चाइनीज़ जो भी प्रोडक्ट इंडिया में यूज़ किए जाते हैं, चाइना में जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक की जाती है उनके ऐप्स के द्वारा। तो हाल ही में कुछ यूसी ब्राउज़र के बारे में भी इसी तरह कुछ खबर आ रही थी कि वो लोगों का डाटा जो है लीक कर रहा था और एडवर्टाइजमेंट को बेच रहा था, जिससे कि तरह तरह के एड्स आपको देखने को मिलते थे और मतलब बहुत सी ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो लीक करता था और आपके फ़ोन तक को एक्सेस कर सकता था। और साथ ही साथ टिकटॉक से भी बहुत सी ऐसी खबरें आ चुकी थी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारी बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट होती है और हम नहीं चाहते कि भी हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो। तो टिकटॉक ऐप भी कुछ इसी तरह काम करती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है आपकी उसमें लीक होने का खतरा लगातार बना रहता है टिकटॉक के अंदर। क्योंकि ये एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट जो है ज़्यादातर इंडिया में फेमस होते रहते हैं, तो उस समय से टिकटॉक भी शामिल है। दोस्तों आपको बता दूं कि टिकटॉक पे बहुत टाइम से जो ऐसे अश्लील वीडियो डालने की बहुत ज़्यादा खबर आ रही है। देखा जाए तो मतलब बहुत ज़्यादा इंडियंस हैं मतलब ज़्यादातर टिकटॉक यूज़ करते हैं, और उसमें बहुत से कुछ ऐसे भी लोग हैं कि लगातार अश्लील वीडियो डालते रहते हैं और उसकी संख्या बहुत ज़्यादा टिकटॉक पर बढ़ती जा रही है। तो अश्लील वीडियोज़ डल रही हैं और टिकटॉक उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, जिससे कि मतलब इन वीडियोस की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे कि मतलब जो टिकटॉक सही तरीके से जो लोग यूज़ कर रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मुसीबतें आ रही हैं। यानी कि मतलब उन्हें वो वीडियो शो हो सकती है, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने तमिलनाडु में जो है असेंबली में इस प्लेटफॉर्म को बंद करने की मांग की, और एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस प्लेटफॉर्म का कई यूजर्स मिसयूज़ भी कर रहे हैं। इससे पहले भी जो है मतलब टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो है एम मनी कंडन ने ब्लू वेल गेम के लिए, जो कि सुसाइड गेम बनी थी इंडिया में, भी बहुत ज़्यादा जो है मतलब इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है केस सामने आ रहे थे कि बहुत से लोग इस गेम को खेलकर जो है सुसाइड करते हैं। तो इसके लिए भी जो है इन्होंने मतलब मांग की थी ताकि इसे बैन कर दिया जाए और इंडिया में जिस पे वेबसाइट पे ये गेम उपलब्ध है उसे जो है हटा दिया जाए, जिसके तहत मतलब बहुत ज़्यादा जो है देखने में आए थे बहुत से बच्चे जो छोटे छोटे सुसाइड करते थे इस गेम को खेलते हुए, जिसके तहत मतलब जल्दी से बहुत सारी ऐसी वेबसाइट भी उनको ब्लॉक किया गया, जिससे कि ब्लू वेल गेम दूसरी बार जो है हमें भारत में देखने को नहीं मिली और इससे बहुत सारे मतलब दुनिया भर के बच्चों की जान भी गई। तो मतलब देखा जाए तो इन्होंने फिर से टिकटॉक के लिए की मांग की है कि इसे इंडिया में बैन कर देना चाहिए। दोस्तों ये कुछ न्यूज़ जो है निकल के आई थी टिकटॉक के लिए, और आप क्या सोचते हैं कि इंडिया में टिकटॉक बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए अगर ऐसे हालात देखा जाए तो। दोस्तों आपको बता दूं टिकटॉक जो है चाइनीज़ प्रोडक्ट है, और आपको पता ही है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि चाइनीज़ जो ऐप्स होते हैं उनसे लगातार खबरें आती रहती हैं कि वो जो है डाटा लीक करते हैं। इंडियंस पीपल्स का बहुत सारा जो है पर्सनल डाटा होता है वो मतलब हैक हो सकता है, लीक हो सकता है कहीं भी, तो ऐसी जो खबरें बनी रहती है। दोस्तों मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है टिकटॉक ऐप के बारे में, क्या आप चाहते हो कि ये बैन होना चाहिए और क्या मतलब इसकी जो है निकलना चाहिए रिजल्ट। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे चैनल पर विजिट करके अदर वीडियोज़ भी देख सकते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।